Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn about different ways of expressing condition. Friends, आज के इस वीडियो में condition बताने वाले अलग-अलग तरीकों को हम देखेंगे. यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी एक conditional sentence को कैसे different तरीके से express कर सकते हैं. तो चलिए friends, start करते हैं. Friends, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तुम अगर कड़ी मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे. जैसा कि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, मैंने पार्ट 22 में आपको इफ का यूज बताया. लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ देखने वाली बात यह है कि आप इसको कितने तरह से बोल सकते हैं. फ्रेंड्स, सबसे सिंपल तरीका है जो आपको पहले से पता है, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड तुम पास हो जाओगे, यू विल बी पास. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको अनलेस के यूज से भी बोल सकते हैं. कैसे, चलिए देखते हैं. अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास. फ्रेंड्स, जो सेंस इफ वाले सेंटेंसेस का है, सेम सेंस इस वाक्य का भी है. यानी आप इस वाक्य के लिए इफ और अनलेस दोनों में से किसी का यूज करके बोल सकते हैं. यहां आपको एक बात केयर करना होगा कि अनलेस वाले सेंटेंसेस में नॉट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है. तो फ्रेंड्स, आइए जरा इनके मीनिंग को गहराई से देखें. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे. अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे. मतलब दोनों का सेंस एक ही है कि आप पास तभी होंगे जब आप कड़ी मेहनत करेंगे. तो फ्रेंड्स, इफ वाले सेंटेंसेस को आप अनलेस से बोल सकते हैं, या अनलेस वाले सेंटेंसेस को आप इफ से बोल सकते हैं. आपको यहां एक बात और केयर करना होगा कि अगर आपने स्टार्ट इफ से किया है तो सेकेंड पार्ट अफर्मेटिव है, यानी सकारात्मक है. लेकिन जब आप शुरुआत अनलेस से करेंगे तो सेकेंड पार्ट नेगेटिव होगा, यानी नकारात्मक होगा. तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर वह आएगी मैं उसको पढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे इफ सी कम्स आई शैल टीच हर. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अनलेस सी कम्स आई शैल नॉट टीच हर. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अगर तुम वक्त पर दवा लोगे तुम ठीक हो जाओगे, तो आप कहेंगे इफ यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम यू विल बी क्योर. लेकिन आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, अनलेस यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम यू विल नॉट बी क्योर. यानी जब तक तुम वक्त पर दवा नहीं लोगे तुम ठीक नहीं होगे. तो बात वही है कि आप ठीक कब होंगे, जब आप वक्त पर दवा लेंगे. आइए फ्रेंड्स, कुछ अदर एग्जाम्पल देखते हैं. आइए फ्रेंड्स, देखें कि इफ यानी अगर के लिए आप कौन कौन से और वर्ड्स यूज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इफ यानी अगर के लिए आप इन केस, सपोजिंग और प्रोवाइडेड का यूज कर सकते हैं. हालांकि अगर के लिए अनलेस का भी यूज होता है, जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल में बताया. तो इसको कैसे यूज किया जाता है, चलिए इस बात को समझते हैं. फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इन केस का मतलब इस हालात में या इस अवस्था में होता है. बिल्कुल होता है फ्रेंड्स. सपोजिंग का मतलब मान लीजिए होता है, और प्रोवाइडेड का मतलब इस शर्त पर कि होता है. हालांकि इन सभी टॉपिक्स पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, और जहां मैंने इनके हर कंसेप्ट को अलग अलग समझाया है. लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इफ की जगह पर यानी अगर के लिए आप इन केस, सपोजिंग और प्रोवाइडेड तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं, सेंस वही होगा. कैसे, चलिए एग्जांपल देखते हैं. इन केस यू डू नॉट वर्क, अगर आप काम नहीं करेंगे, यू विल फेल, आप नाकामयाब हो जाएंगे. सपोजिंग यू डू नॉट वर्क, मान लीजिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, या मान लीजिए अगर आप काम नहीं करेंगे, यू विल फेल, आप नाकामयाब हो जाएंगे. तो फिर बात वही हुई फ्रेंड्स, मान लीजिए या अगर, यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, अगर आप काम नहीं करेंगे आप नाकामयाब हो जाएंगे. प्रोवाइडेड यू डू नॉट वर्क,
इस शर्त पर कि आप काम नहीं करेंगे, यू विल फेल, आप नाकामयाब हो जाएंगे। तो इस शर्त पर कि के लिए आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे आप नाकामयाब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर के लिए आमतौर पर लोग इफ यूज करते हैं। इफ ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, लेकिन आप इफ के जगह पर इन केस, सपोजिंग, प्रोवाइडेड और अनलेस का यूज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, लास्ट में एक और वर्ड देखते हैं जिसका सेंस अगर होता है। आमतौर पर यह वर्ड बहुत कम यूज किया जाता है। बट फॉर का मतलब होता है यदि ऐसा नहीं हुआ होता। जैसे अगर आपको कहना हो, अगर आपकी मदद नहीं हुई होती मैं बर्बाद हो जाता, तो आप कहेंगे बट फॉर योर हेल्प, यानी अगर आपकी मदद नहीं हुई होती, यानी ऐसा नहीं हुआ होता, आई वुड हैव रिमेंड। तो फ्रेंड्स, बट फॉर का यूज यदि या अगर के सेंस में करते हैं जब हमें कहना हो कि अगर ये काम नहीं हुआ होता, या अगर ऐसा नहीं हुआ होता, या अगर वैसा नहीं हुआ होता। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि अगर आपका सलाह नहीं मिला होता मैं कंफ्यूज्ड रहता, तो आप कहेंगे बट फॉर योर एडवाइस आई वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड। तो फ्रेंड्स, बट फॉर का यूज अगर ऐसा नहीं हुआ होता के सेंस में किया जाता है। हो सकता फ्रेंड्स आप सोचें कि यहाँ वुड हैव बीन का यूज कैसे हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि मैंने वुड के सभी कंसेप्ट पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि वुड से रिलेटेड हर बारीकी आपको पता चल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात समझ में आया तो फिर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, और वह सवाल है, अगर वह कोशिश करेगी वह कामयाब होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेसन समझ में आया तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।